गुरु पैया लागो नाम को लखा दीजो ना। घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान के दीप जला दीजो ना। जन्म जन्म का सोवल मनवा, शब्दन मार जगा दीजो ना। गहरी नदिया अगम बह धरवा, खेय के पार लगा दीजो ना। विष की लहर उठत घट अंतर, अमृत बूंद चुवा दीजो ना। धर्मदास की अरज गोचाई, अब की खेप निभा दीजो ना। गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजो ना। एक साधक शिष्य गुरु से निवेदन कर रहा है कि हे गुरुदेव, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मुझे नाम का भेद बता दीजिए, नाम का परिचय दे दीजिए। विभिन्न धार्मिक परंपरा में अलग अलग नाम का प्रचलन है। कोई किसी नाम का जप करता, कोई किसी नाम का जप करता, कोई किसी नाम का जप करता है। नाम जप से मन में स्थिरता आती है, थोड़ी एकाग्रता आती है, सात्विक भावना आती है। लेकिन यहाँ नाम का तात्पर्य किसी अमुक नाम से नहीं है। नाम रखा जाता है व्यवहार के लिए। नाम वैसे अपने आप में कुछ नहीं है, किंतु बिना नाम के व्यवहार चल नहीं सकता है। नाम किसी वस्तु को जानने के लिए रखा जाता है। यहाँ जो कहा था कि नाम को लिखा दीजिए ना, मतलब है आत्मबोध, आत्मज्ञान, मैं कौन हूँ इसका भेद बताना। क्योंकि अध्यात्म में केंद्र में मैं है, किसी भी मत पंथ का साधक हो, बाह्य उपासना में फर्क हो सकता है और क्या है, लेकिन अध्यात्म में केंद्र में मैं है। अध्यात्म के केंद्र में कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है, मैं अर्थात आत्मा है। क्योंकि हम अपने लिए ही सब कुछ को चाहते हैं। मैं ही ना होता तो ईश्वर की आराधना कौन करता है, मैं ना होता तो ईश्वर की चाहना कौन करता है, मैं ना होता तो ईश्वर की आवश्यकता किसे होती, और मैं ना होता अर्थात मैं कहने वाला, मैं से मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, मैं कहने वाला
ये जो जीव है, आत्मा है, ये ना होता तो ईश्वर की कल्पना भी कौन करता। इसलिए मैं जो जीव है, अध्यात्म के केंद्र में यह है। तो गुरुपिया लागो नाम को लिखा दीजिए ना, मतलब है ए गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे मेरे स्वरूप का परिचय करा दीजिए, आत्मा का परिचय करा दीजिए। सबको जाना, सबको जाना, अपने को नहीं जाना, तो सारा जानना निरर्थक हो जाता है। किसी ने कहा है बेकार ज्ञान सारा, अपना पता नहीं जब, फिरता है मारा मारा अपना पता नहीं जब, खुद का ही पता नहीं है जाएंगे कहाँ। उपनिषद में कहा गया है यदा चर्म वदा काशम वेष्टचन्ति मानवः तदा देहम अभिज्ञाय दुःखश्चान्तो भविष्यति। जब आदमी ये पूरे आकाश को चाम के समान लपेट लेगा, तब आत्मा को जाने बिना भी वह दुखों से मुक्त हो जाएगा। मतलब जिस प्रकार आकाश को चाम के समान लपेटा नहीं जा सकता, असंभव है, उसी प्रकार आत्मा को जाने बिना कोई भी व्यक्ति दुख से मुक्त हो नहीं सकता है। स्वयं को जानना, यहीं से शुरुआत होती है साधना की और यहीं से शुरुआत होती है अध्यात्म की। जितने भी ज्ञान है बाहर का, सारा ज्ञान शरीर निर्वाह तक ही है, बस इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान आदमी को दुख और शोक से मुक्त नहीं कर सकता है। छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है, नारद सनत कुमार के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान मैंने सुना है आत्मवित्ता आत्मज्ञानी पुरुष शोक से पार हो जाते हैं, किंतु मैं शोक करता हूँ, आप मुझे शोक से पार होने के लिए उपदेश करें। तब सनत कुमार नारद से कहते हैं, नारद पहले यह बताओ कि तुम क्या क्या जानते हो, ताकि मैं उससे तुम्हें आगे की बात बता सकूं। तब नारद कहते हैं, भगवान मैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद आयुर्वेद धनुर्वेद ये सब जानता हूँ, छह वेदांग जानता हूँ, सर्व विद्या नृत्य विद्या गंधर्व विद्या भौतिक विद्या, और एक लंबी सूची वहाँ प्रस्तुत की गई है कि ये सब मैं जानता हूँ, किंतु मैं शोक करता हूँ। तो सनत कुमार कहते हैं, नारद तुम तो केवल संज्ञाओं को जानते हो, संज्ञा मतलब नाम, शास्त्रों में क्या लिखा है, नाम ही तो लिखा है, पानी कह देने मात्र से प्यास थोड़े बुझेगी, पानी तो एक शब्द है उस वस्तु को जानने के लिए, जो वस्तु तरल होता हो, तरल होती है
शीतल होती है और जिससे पीने से प्यास बुझती है, ऐसे कोई और शब्द ले लो। तो शास्त्रों में तो केवल संज्ञा लिखी है, नाम लिखे हैं, और तुम केवल संज्ञाओं को जानते हो। तो कहते हैं भगवान क्या संज्ञाओं से भी बड़ा कुछ होता है। फिर एक लंबी सूची होती है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और अंत में बड़ा कहते कहते लंबे व्याख्यान के पश्चात सनत कुमार कहते हैं, यो वै भूमत तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमयो सुखम। नारद, जो वो भूमा है उसमें सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमयो सुखम, भूमा ही सुख का आधार है, भूमा आधार। सारे ज्ञान विज्ञान कला कौशल मत पंथ संप्रदाय का सृजेता कौन, आधार कौन? ये मनुष्य शरीर में बैठा हुआ जो जीव है वही तो है। कल्पना करें, दुनिया में अगर मनुष्य न होता तो ज्ञान विज्ञान का विकास होता? कला कौशल मत पंथ नाना ग्रंथ संप्रदाय ईश्वर ब्रह्म की कल्पना मंदिर मस्जिद का निर्माण ये कौन कर रहा है? मनुष्य शरीर के भीतर जो बैठा जीव वही तो कर रहा है। तो वही भूमा है सबका आधार। नारद से सनत कुमार कहते हैं, तुम उसको जानो। जब भूमा का ज्ञान हो जाएगा और मन बाहर लौट कर भूमा आत्मा में स्थित हो जाएगा, तब शोक से पार हो जाओगे। यहाँ कहा गया है कि गुरु पैया लागो नाम को लखा दीजो ना। ये गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे आत्मज्ञान करा दें ताकि मेरा देह भाव छूट करके मैं आत्मभाव में स्थित हो जाऊँ। घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान के दीप जला दीजो ना। इस शरीर के अंदर अज्ञान का अंधकार है, मैं अज्ञान अंधकार में भटक रहा हूं, आप मेरे भीतर ज्ञान का दीप जला दें। ज्ञान दाता गुरु ही होते हैं, जो भी ज्ञान दे वो गुरु। गुरु की कोई एक विशेष सिंह पुष्ट तो होती नहीं है। जो हमें सच्चा बोध दे दे, जिसके ज्ञान से, जिसके बोध से, उपदेश से हमारे मन की सारी भ्रांतियां मिट जाए, भ्रम दूर हो जाए, कल्पना से मुक्ति मिल जाए, और जिसके बताए रास्ते पर चल करके हम अपने आप को दुखों से छुड़ा सकें, वही तो गुरु है। और बिना ज्ञान के अज्ञान दूर हो नहीं सकता, बिना ज्ञान के दुख दूर हो नहीं सकता। अंधकार है, कितना नाम जपो, कितनी पूजा करो, कितना भगवान को पुकारो और कितना कुछ भी कर लो, पूजा पाठ नाम जप हवन तर्पण कथा कीर्तन, अज्ञान दूर होने वाला है नहीं, अंधकार दूर होने वाला है नहीं। एक छोटा सा दीपक जला लो, फिर कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ करते हो अच्छी बात है, लेकिन पूजा पाठ से अंधकार दूर नहीं होगा, दीपक जलाने से अंधकार दूर होगा। ऐसे ही भीतर जो दुख है, पीड़ा है, वो पूजा पाठ से दूर नहीं होने वाला है, कर्मकांड से दूर नहीं होने वाला है, भगवान भगवती पुकारने से दूर होने वाला नहीं है, ज्ञान से दूर होगा। और ज्ञान में भी आत्मज्ञान, भीतर दीपक जलाना होगा। क्यों कहा गया, तमसो मां ज्योतिर्गमय,
मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु समरता की ओर ले जाए, वही तो गुरु है। तो ज्ञान का दीप, ये जो बाहर हम दीप जलाते हैं, इससे बाहर का अंधकार दूर होता है, भीतर का अंधकार दूर नहीं होता। अब बाहर दीप जलाने की आवश्यकता है, रात्रि में यदि दीप न जलाया जाए तो फिर अंधकार दूर कैसे होगा और व्यवहार का काम कैसे होगा। लेकिन बाहर दीप जलाते ये बात भूल गए कि भीतर भी दीप जलाने की आवश्यकता है। कहाँ कहाँ हमने दीप नहीं जलाया? घर में तो जलाते ही हैं, खेत खलिहान में लोग दीप जलाते हैं, मंदिरों में दीप जलाते हैं, देवस्थान में दीप जलाते हैं, ठीक है। लेकिन भीतर मंदिरों में जाकर, तीर्थों में जाकर कितना भी दीप जला लो भीतर का अंधकार दूर होने वाला है नहीं। आप दीप जलाएं मंदिर में या कहीं अन्य जगह, धार्मिक स्थलों में, तीर्थों में कहीं दीप जलाएं, लेकिन साथ साथ ये होना होगा कि भीतर ज्ञान का, धर्म का, भक्ति का दीप जला है या नहीं जला है, इस बात पर विचार करें। और जब भीतर ज्ञान भक्ति धर्म का दीप जल गया तो बाहर भले अंधकार रहेगा, भीतर प्रकाश हो गया तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, हम मंदिर तक पहुंच जाएंगे। बाहर का प्रकाश बाहर की मंदिर तक पहुंचाएगा, लेकिन बाहर का प्रकाश आत्म मंदिर तक या मुक्ति मंदिर तक पहुंचा नहीं सकता है, उसके लिए भीतर ज्ञान का प्रकाश चाहिए। तो भीतर घट अंधियार, इस शरीर के भीतर अंधकार है, और अंधकार अज्ञान का अंधकार। अनादिकाल से अज्ञान अंधकार में हम भटकते आ रहे हैं और आज भी अज्ञान में ही जीवन जी रहे हैं। जितना जीवन बीता मानो अज्ञान में ही बीता, नासमझी में ही बीता है, किंतु अपने अज्ञान को समझना भी बहुत कठिन होता है। कोई विनम्र साधक वही समझ सकता है, अन्यथा हम जीते हैं अज्ञान में और भ्रम रहता है ज्ञानी होने का। ये ज्ञानी होने का जो भ्रम है जल्दी दूर नहीं हो पाता। अज्ञान उतना नहीं भटकाता है आदमी को जितना ज्ञानी होने का भ्रम भटकाता है। अज्ञानी आदमी तो एक बार उसे समझाया जा सकता है, लेकिन जिसे ज्ञानी होने का भ्रम हो गया है उसे समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो समझता मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो दूसरों को समझाता हूँ, मुझे भला कौन समझाएगा। और तो ये ज्ञानी होने का भ्रम अज्ञानी होने से ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा दुखदायी है। बात यहाँ यह है कि हमारा जीवन अज्ञान में ही व्यतीत हो रहा है, किंतु स्वीकार करना बड़ा कठिन। किसी को भी आप पूछें कि आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी, जो साधक होगा,
जो सचमुच का ज्ञानी होगा वह कहेगा भैया मैं तो अज्ञानी हूं, अन्यथा उत्तर क्या मिलेगा, मैं तो ज्ञानी हूं। अपने को कौन अज्ञानी मानेगा, कोई अपने कोई ज्ञानी मानता नहीं है। हाँ, लेकिन कोई दूसरा कह दे कि तुम अज्ञानी हो तो बड़ा दुख हो जाता है मन में, और दुखी नहीं होता गुस्सा भी आ जाता है। कोई हमें कह दे कि आप तो बड़े अज्ञानी हैं, संभालना मुश्किल अपने आप को, स्वीकार कहाँ करते हैं। लेकिन कोई कहता है कि आप बड़े अज्ञानी हैं और मन दुखी हो गया या गुस्सा आ गया तो सिद्ध हो गया कि सचमुच में अज्ञानी हैं, क्योंकि अज्ञानी ही दुखी होगा, अज्ञानी को ही गुस्सा आएगा, चाहे मुझे गुस्सा आया किसी आया। जब जब हमारे मन में अज्ञान होता है, जब हम अज्ञान में जीते हैं तभी गुस्सा आएगा, ज्ञान में गुस्सा नहीं आएगा। ज्ञान का अर्थ ही है गुस्सा ना करना, ज्ञान का अर्थ है दुखी ना होना। और सोच लें यदि मन में दुख है, चिंता है, भय है, तनाव है, तो समझना होगा कि मैं अज्ञान में जी रहा हूं। और ये दुख, चिंता, भय, तनाव, लोभ, लालच बिना ज्ञान का दीप जले दूर हो नहीं सकता है। घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान के दीप जला दी जो न। साधक कहता है गुरुदेव मेरे भीतर अज्ञान का घोर अंधकार छाया हुआ है और इसलिए मैं भटक रहा हूं, जगह जगह ठोकरें खा रहा हूं, आप ऐसी कृपा करें, ऐसा उपदेश दें कि मेरे भीतर ज्ञान का दीप जल जाए और मेरा भटकना दूर हो करके मैं स्थिर होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। जन्म जन्म का सोवल मनवा, शब्दन मार जगा दीजना। गुरुदेव मैं जन्म जन्मांतरों से अनादिकाल से मोह की नींद में सोता आ रहा हूं, आप मुझे ज्ञान के शब्दों की मार देकर जगा दें। हम सो तो रहे हैं, ये मनुष्य जीवन जागने की भूमिका है, लेकिन आदमी जितना यहां सोता है उतना और कहीं नहीं सोता। ये रात वाली नींद नहीं है जो सोने की बात है, ये मोह की नींद है, माया की नींद। रात की नींद तो टूट जाती है 4-6 घंटे में, लेकिन ये मोह माया की नींद कहाँ टूटती है। जीवन बीत जाता है लेकिन समझ में भी कहाँ आता है कि मैं सो रहा हूं। सो रहे हैं क्योंकि सोया हुआ आदमी को पता नहीं चलता कि मैं सो रहा हूं, वो तो जागने के बाद पता चलता है ना कि मैं सो रहा था। ऐसे ही जब ज्ञान होता है तब पता चलता है कि मैं सो रहा था, मोह की नींद में, मोह टूटने पर पता चलता है। साहब ने कहा है संतों जागत नींद न कीजिए, ऐ संतों जागते रहो, नींद मत लेना, नींद है असावधान हो जाना, जागना है सावधान होना। बेहोशी, बेहोशी सो जाना है, होश में आना जागना है, और पूरी जिंदगी बेहोशी में बीतती है।
गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत बोलते हैं, गलत सोते हैं, गलत काम करते हैं, सब यही तो है। कहाँ हम जाग रहे हैं? मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मानस में गोस्वामी जी कहते हैं सब मोह की निशा में सो रहे हैं। यही जग जामनी जागे ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जागता कौन है दुनिया में? योगी जागता है। योगी से मतलब साधक। परमार्थ प्रपंच वियोगी, जो जिसके मन से प्रपंच का वियोग हो चुका है, जिसके मन में प्रपंच नहीं रह गया है, वही योगी है। प्रपंच का वियोग कर देने वाला, प्रपंच का त्याग कर देने वाला। प्रपंच क्या है? मन के मोह माया, मन के विकार, असावधानी, लोभ लालच, राग रंग की भावना, ये सब प्रपंच है। इनका जो वियोग कर देता है वह योगी है। कैसा कपड़ा पहनता है, कहाँ रहता, कोई मतलब नहीं होता। और गोस्वामी जी और क्या कहते हैं? जान ही तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मैं जाग गया ये तब समझना जब सारे विषयों का जो विलास है उससे दूर हो जा। जब सब विषय विलास विरागा, विषय विलास से विराग हो जाना, विषयों का विलास का मोह टूट जाना, कहीं मन का न चिपकना, ये जागना है। जो करें होश पूर्वक करें, जाग करके करें। जागा हुआ आदमी झूठ नहीं बोलेगा, जागा हुआ आदमी गाली नहीं देगा, जागा हुआ आदमी गलत नहीं खाएगा, जागा हुआ आदमी गलत काम नहीं करेगा। जितने भी गलत काम हैं सब सो करके होता है। मतलब सो कर मतलब मन सोया हुआ है, असावधानी। जागा हुआ आदमी गलत क्यों बोलेगा? ये समझना होगा, चाहे कोई हो, जब जब हमारे मन से गलत शब्द निकलते हैं, हम हमारी जबान से, तब तब हो, क्योंकि हम सो रहे हैं। पूरी जागृति हो, पूर्ण होश आवास हो, पूर्ण ज्ञान में डूबा है मन, जबान से गलत शब्द कैसे निकलेंगे? लड़ाई झगड़ा कैसे होगा? कलह विवाद तुतुमय में कहाँ होगा? तो जन्म जन्म का सोवल मन, जन्म जन्मांतरों से सोते आए हैं। जागने की भूमिका मानव जीवन, लेकिन यहाँ आकर के इतनी गहरी नींद लगती है कि क्या कहना। जितना मोह में आदमी पड़ा है, जानवर कहाँ मोह में पड़ा है? एक गाय को बच्चा पैदा हुआ, गाय ने जीभ से चाट करके उसका साफ कर दिया, बच्चा उछलने करने लग गया। बस 6 महीना साल भर गाय दूध पिला दे, उसके बाद बछड़ा कहीं, गाय कहाँ, गाय कहीं, कोई मोह माया नहीं, किसी मतलब नहीं है। साथ में रहते भी कोई मतलब नहीं। पक्षी अंडा देने का समय होता है, घोंसला बना लेता है। पक्षी ने अंडा दिया, अंडे का सेवन किया पक्षी, अंडा फूटा, बच्चे निकले, पक्षी उड़ उड़ करके जाता है। कहाँ से कीड़े या अन्न के दाना चुन चुन कर डालता है, बच्चों के मुख में डालता है। 4 से 6 दिन बाद बच्चे उड़ गए, कहाँ चले गए कोई मतलब नहीं है। जब तक छोटे थे, उड़ने लायक नहीं थे, तब तक चारा खिला रहा था। उड़ गया, बस कोई मतलब नहीं है, कोई मोह नहीं, कोई शिकायत नहीं। और आदमी को देखो, अपना बच्चा तो चलो
पैदा किया, पाला पोसा, लिखाया पढ़ा बनाया, अब बच्चे का बच्चा, फिर उसका बच्चा, पता नहीं कितना कितना क्या कर लेगा। आदमी यदि जीता रह गया ना, हजार साल भी आदमी की उम्र हो जाए तो कल्याण नहीं करेगा। बच्चे के बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसके लिए पता नहीं, उसके लिए कुछ न कुछ करता रहूं, यही होगा, यही तो सोना है। और मान लो बच्चा नालायक निकल गया, उद्दंड, उन्मादी, अब पिता बूढ़ा है, तो बूढ़े पिता को उसी का बेटा गाली देता है, फटकारता है, यहाँ तक मार देता है, सब कुछ कर देता है। लोग क्या कहते हैं, अरे हमारे तब तो मार रहे हैं ना, न होता तो कौन मारता, कितनी बढ़िया बात है, यही तो सोना है। तो जन्म जन्म का सोवल मनवा, सदन मार जगा दी जो नशा, मृदय में अनादिकाल से अज्ञान मोह माया की नींद में सोते हुए आ रहा हूं। आज आप मिल गए मुझे शब्दों की चोट दे करके, इस मोह माया अंत ममता की नींद से जगा दें, ताकि मैं आपके बताए रास्ते पर चल सकूं, अपना कल्याण कर लूं। गहरी नदियां अगम बह धरवा, खेय के पार लगा दीजिए ना। नदी बड़ी गहरी है, धारा तेज बह रही है, गुरुदेव मेरे जीवन नाव को खे करके आप उस पार लगा दें। यह नदी बाहर की नदी नहीं है, भीतर की नदी है, ये मन की नदी बड़ी गहरी है। वासना का प्रवाह इतना तेज है कि ज्ञान के पैर, विवेक विचार के पैर टिक नहीं पाते हैं। निरंतर साधन, निरंतर सावधानी, तीव्र ज्ञान और ज्ञान के अनुसार से वैसी साधना, वैसी दृढ़ संकल्प, उतनी सावधानी, तब मन नदी के वासना प्रवाह से हम पार पा सकते हैं। बाहर की नदी क्या, समुद्रों को भी तैरने वाले लोग अपने मन की नदी में आकर के डूब जाते हैं। नदी उतरे, नाला उतरे, समुद्र उतर जाए, खाई अंगुल चार की तामे गोता खाई। श्री राम रहस्य साहब कहते हैं, आदमी नदी को, नाला को, समुद्र को तैर करके पार कर जाता है, लेकिन चार अंगुल के खाए मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का जो अंतःकरण है, इसी में आकर के गोता खा जाता है, डूब जाता है। बाहर की जो नदी है उसमें कोई डूबा तो वह ऊपर आ सकता है, लेकिन मन की नदी में डूबने वाला, इससे ऊपर आना बड़ा कठिन होता है। सदगुरु कबीर ने भी कई जगह कहा है कि नदी बड़ी गहरी है, और सभी संतों ने कहा, वो तो बाहर की नदी के लिए बात नहीं है, भीतर की नदी। तो गहरी नदियां गुरुदेव, ये मन की जो नदी है गहरी है, वासना का प्रभाव बहुत तेज है, बहुत तेज, और मैं देख रहा हूं कि मेरा संकल्प उतना मजबूत नहीं है, मेरा विवेक उतना मजबूत नहीं है, और मेरी साधना भी बड़ी कमजोर है। मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने बलबूते पर इस भवसागर से पार हो जाऊं। सहारा आपका ही है, मेरे जीवन नाव को खे करके आप पलाद, मेरे जीवन नाव का आप मल्लाह बन जाए, तो आपके सहारा से मैं, आपका आधार पाकर इस मन नदी के वासना प्रवाह से पार हो सकता हूँ और अपने मंदिर तक पहुँच सकता हूँ।
तरीका है कहने का। गुरु का काम केवल रास्ता बताना है, उपदेश देना है, अंत में तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हाँ, लेकिन सहारा गुरु का चाहिए। मार्ग बताने वाला ही ना हो, हमारी भूलों को परखाने वाला ही कोई ना हो, तो साधना के नाम पर भी हम भटक सकते हैं। अधूरे ज्ञान को हम सही मान करके उतने में रुक सकते हैं। थोड़ा सा साधना मार्ग में चले, थोड़ी सफलता हुई, मन थोड़ा शांत हुआ, मालिक हमारा काम बन गया, अहम आ जाता है। साधना का हम होता है, भक्ति का हम हो जाता है, ज्ञान का हम हो जाता है, और अहम आ जहाँ आया, डूबने के अलावा और कुछ बचता नहीं है। फिर समर्पण की आवश्यकता होती है, और समर्पण गुरु ज्ञान के प्रति समर्पण, गुरु के ने जो साधना बताई है उसके लिए समर्पण। यदि हम ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य के प्रति समर्पित नहीं हैं, तो बाहर गुरु क्या कर सकेंगे। गुरु तैर करके पार हो चुके हैं और हमें तैरने का रास्ता बता रहे हैं, लेकिन हमको तैरना ही नहीं चाहते, तो हमारे हाथ पैर को पटक कर तो गुरु तैरेंगे नहीं हमको। खास बात यह है, जब तक जीवन है तब तक गुरु सहारे की आवश्यकता होती है। गुरु सहारा मतलब गुरु के ज्ञान की आवश्यकता होती है, गुरु प्रति भक्ति भाव समर्पण की आवश्यकता होती है। बस होता है गुरु के बताए जो कल्याण साधना का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है, उस पर एक रस चलना, यही गुरु भक्ति का फल है। वह वास्तविक गुरु भक्ति यही होती है। तो गहरी नदियाँ अगम बह धरवा, खेक पार लगा दीजिए ना गुरुदेव, मेरी जीवन नाव डगमगा रही है, आप इसे पार लगा दें, आपका ही सहारा है, अन्यथा वासना प्रवास से अपने बचाना बड़ा मुश्किल है। निरंतर साधना, निरंतर दो चीज़ है, एक गुरु ज्ञान का निरंतर मनन और आचरण, और दूसरी निरंतर सावधानी। संसार में सर्वत्र भूलने भटकने के साधन हैं, प्रलोभन, प्रलोभन मिलते रहेंगे, अपने को प्रलोभन से बचाना होगा, और प्रलोभन अनेक प्रकार के, किसी भी प्रकार का प्रलोभन आया भटकाव शुरू, फिर प्रलोभन आया कि बस नींद आना शुरू हो जाता है। जागने का मतलब है न तो मृत्यु भय से आ जाए सामने तो भी विचलित न होना, और बड़ा सा बड़ा प्रलोभन आ जाए तो भी विचलित न होना। भय और प्रलोभन से जो मुक्त होगा वही सत्य के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चल सकेगा, अन्यथा चलना मुश्किल है। विष की लहर उठत घट अंतर, अमृत बूंद चुआ दीजिए ना। साधक निवेदन करता है, गुरुदेव मेरे इस घट के भीतर निरंतर विष की लहर उठ रही है, और ये विष मेरे तन मन को आक्रांत करके मुझे बेभान बना दे रहा है, तन मन दोनों से मुझे दुर्बल और कमजोर बना दे रहा है। इस विष की लहर को मारने के लिए आप मेरे अंतःकरण में, मेरे भीतर अमृत की बूंद चुवाने की कृपा करें। सोचें, अंतःकरण में कैसी कैसी लहरें उठ रही है और किस किस की लहरें उठ रही है। बाहर
कोई तालाब है, कोई नदी है, कोई समुद्र है, उसमें लहर जो उड़ती है वे लहरें दिखाई पड़ती है। नदी और समुद्र और नदी और ताल के पानी में तो छोटी छोटी लहरें उड़ती है, और समुद्र में तो कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ जाती है, कितनी बड़ी बड़ी लहरें। बड़ी लहरें नहीं भी उड़ती है तो भी समान लहर तो समुद्र में बनी ही रहती है, उससे भयंकर विकराल लहर भीतर उठ रही है, किंतु पता नहीं दम दम की कोई खबरें जाने, कोई कह न सके निर्वारा। साहब कहते हैं कि प्रत्येक पल भीतर में क्या क्या लहरें उठ रही है खबर नहीं है, आदमी निर्वार नहीं कर सकता। तो हमें देखना है कि हमारे अंदर मन में कैसे कैसे लहर उठे, अब वो भी लहरें हैं विष की लहर, कभी काम की, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी ईर्ष्या द्वेष, कभी और कुछ, निरंतर कहाँ है मन शांत। जो हमें विचलित कर दे वही तो है, हर समय मन विचलित 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 होता रहता है, स्थिर कहाँ रहता है। और जितना विकारी लहरें उठेगी उतना मन कमजोर, उतना तन कमजोर, उतना संकल्प कमजोर, उतने जीवन में फिर आगे बढ़ने की संभावना नहीं दिखाई पड़ती है। और जब हमने इस लहर को मान लिया, ये तो लहर तो उठेगी ही उठेगी, इसको शांत करना तो संभव ही नहीं है। अनेक लोग कहते हैं मन तो चंचल है और चंचल ही रहेगा, मन की चंचलता कभी मिट नहीं सकती है, मन शांत होगा ही नहीं। जब यह निश्चय है तब फिर ज्ञान विवेक विचार संयम साधना ध्यान चिंतन इसकी आवश्यकता क्या है। फिर जब मन की विकारी लहरें दूर हो नहीं सकती है, मन के विकारों पर विजय नहीं पाई जा सकती, तो फिर इतना भक्ति भजन ध्यान चिंतन बेकार है सब। लेकिन हकीकत यह है सही बोध हो और बोध के अनुसार से सही साधना हो, निरंतर सावधानी, तो धीरे धीरे प्रयास करते करते मन की चंचलता को दूर किया जा सकता है, चंचलता मिट सकती है। गीता में जहाँ बात आई मन की चंचलता मिटाने के लिए, अर्जुन ने कहा महाराज आप कहते हो कि मन को शांत करो, मन को शांत करो, मन को बस में करो, ये मन को बस में करना तो बड़ा कठिन काम है। ये मन को बस में करना तो वैसा ही है जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ करके रखना। चंचलम ही मना कृष प्रमाथ बलव दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्य वायुरीश दुष्करम। हे कृष्ण ये मन तो प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़े बड़े बलवानों को भी मत करके रख देता है, बड़े बड़े सूरवीर पर विजय पाने वाले भी मन से हार जाते हैं, उनको भी मन पछाड़ देता है। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि मन को बस में करना वैसा ही कठिन है जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ करके रखना। अर्जुन ने जब कहा तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हारी बात सच है, असंयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौंते वैराग्येन च गृह्यते। निश्चित है महाबाहु अर्जुन मन को निग्रहित करना कठिन है, दुर्निग्रह मतलब जो कठिनाई से बस में किया जा सके दुर्निग्रहित हुआ है, किंतु अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास
किसी बात को बार 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 दोहराना, अभ्यास, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, अभ्यास। और वैराग्य आसक्ति का त्याग। वैराग्य कहीं ना ललचाना, कहीं प्रलोभन में ना पड़ना, मन के विकारों में ना बहना, इससे दूर होगा। तो दर्शन में भी यही बात कहा गया, अभ्यास वैराग्य अभम तनिरोध। यहाँ की बात इतनी है, विष की लहर उठत घट अंतर अमृत बूंद चुबा दीजिए ना। निरंतर विष की बूंद, विष की लहर उठ रही है, किस समय कौन सी लहर उड़ जाए कहा नहीं जा सकता। कभी लहर छोटी होती है, कभी लहर बड़ी ऊंची और बड़ी हो जाती है। अमृत, ज्ञान, विवेक, विचार, भक्ति, सेवा, साधना, संयम, जो सद्गुण हैं, सदाचार है, आत्मा की अमरता का बोध है, ये अमृत के समान है। जितना इनका चिंतन होगा, ज्ञान का, विवेक का, विचार का, सेवा भक्ति का, संयम साधना का, इनकी बातें सोचते रहें, किसी सकारात्मक विचार में मन डूबा हुआ है, सेवा में लगा हुआ है, तो विकारी लहरें नहीं आएगी, आएगी तो शांत हो जाएगी। इसलिए यदि चाहते हैं कि मन में विकारी लहरें ना आए, मन हमें परेशान ना करे, तो या तो किसी सेवा के कार्य में लगे रहें, जिस काम से अपना भला हो, दूसरे का भला हो, ऐसे कामों में अपने को नियोजित करके रखें। और सेवा का समय नहीं है तो स्वाध्याय करें, स्वाध्याय भी नहीं कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, तो ज्ञान, विवेक, विचार का चिंतन करें, सकारात्मक चिंतन करें, तो कम से कम विकारी लहरें उठेगी, फिर धीरे धीरे मन शांत होता चला जाएगा अभ्यास से। रास्ता कुछ और है नहीं इसके अलावा। और ये काम हम नहीं करते, कोई काम करते हैं वहाँ भी लोभ है, लालच है, स्वार्थ है। सेवा भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो दिखावा है। सेवा भी कर रहे हैं तो इसलिए करते हैं कि लोग हमें अच्छा माने, हमारी प्रशंसा करें, तो गलत भावना ही वहाँ पर है, तो मन चंचल तो हो गई होगा। चंचलता मिटे कैसे, वो तो वही तो विषय है। सेवा के फल में, भक्ति के फल में यदि कोई चाहना है तो वो विषय है समझना, वो सेवा और भक्ति नहीं है। जब कोई चाहना ना हो, केवल अंतकरण की शुद्धि हो, बस एक कर्तव्य भावना से करें। और इसलिए करें कि इस सेवा से मेरे चित्त का मल दूर होगा, चित्त शुद्धि के लिए करेंगे तो फिर विष की लहर नहीं आएगी। और कोई चाह रखे मुझे लोग अच्छा माने, मेरी प्रशंसा करें, मेरा सम्मान करें, तो विष तो शुरू ही हो गया। विष की लहर उठत घट अंतर अमृत बूंद चुबा दीजिए ना। इसलिए साधक कहते गुरुदेव, अमृत की बूंद, ज्ञान, विवेक, विचार की बूंदे मेरे अंतकरण में चुबा दें, मुझे इसकी सीख दे दें, ताकि अमृत बूंदे चूते रहेगी, इनका मैं पान करता रहूं तो विकारी लहरें, विष की लहर ना आने पाए। धर्मदास की अरज गोसाई, अब की खेप निभा दीजिए। खेप बारी, छत्तीसगढ़ी वाले तो जानते ही खेप किसे कहते हैं। गुरुदेव अब की बार जैसा भी हो आप पहुँच, चाहे जैसे भी मेरा सावधान हो, आप मुझे अब की बार निभा लें, अब की अपनी शरण में लगा लें। यदि आप ही दुत्कार देंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, किसकी शरण में जाऊँगा। दुनिया से हार थक कर आपकी शरण में आया, और आप
उदासीन हो जाए मुझसे, लापरवाह हो जाए, तो मैं कहाँ जाऊँगा फिर। तो अब की बार एक तो मुझे ये मानव जीवन मिला और मानव जीवन में थोड़ी कल्याण की भावना जागृत हुई, फिर आप मिल गए, अब इन तीनों का दिल चुक गया तो आगे का ठिकाना ही नहीं है। मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। मनुष्य शरीर का मिलना कठिन, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, मनुष्य शरीर ही मिला और सर्वांग संपन्न मिला। आंखें न होती तो कान से सुनाई न पड़ता, तो यदि गुंगे होते तो क्या करते, लूले लंगड़े होते तब, जन्म से रोगी होते या पागल होते तब क्या करते, कितना सौभाग्य के विषय बेचारा। हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास वो नहीं है, शिकायत। जो जो मिला है दृष्टि उधर है कि नहीं, जो जो मिला है ना उसकी याद करेंगे तो नहीं मिला है ये शिकायत मिट जाएगी। जो मिला है उसकी याद नहीं करते, जो मिला है उसका सदुपयोग नहीं करते, जो नहीं मिला है उसकी शिकायत में पड़े रहते हैं, जिंदगी भर उधर उसको पाने के लिए दौड़ते रह जाते हैं, बस ये दुख का कारण है। तो मनुष्य शरीर मिला उसमें भी सर्वांग संपन्न स्वस्थ समझने बुझने की बुद्धि, उसमें भी सच्चे संत गुरु मिल गए, सही बोध देने वाले विवेक विचारवान पारखनिष्ठ विवेकी संत गुरुजन मिल गए, ये भी मिलना बड़ा कठिन है। गुरु तो बहुतों को मिले हैं, भटकाने वाले गुरु मिले हैं, कल्पना अंधविश्वास में डुबाने वाले गुरु मिले हुए हैं, तो समझ ही नहीं सकते बेचारे। हमें तो सच्चे गुरु मिल गए, उसमें भी मोक्ष की इच्छा कल्याण की भावना जागृत हुई, लेकिन अब उस भावना को जगा करके ही रखना है या प्रलोभन आया उसमें मैं भटक जाना है, करना क्या है। प्रलोभन आता है हम उसमें भटक जाते हैं, इंद्रियों के विषय आ गए, कहीं प्रतिष्ठा मिल गई, पद का लोभ लालच आ गया, बस रुक गए। गुरुदेव जी सदगुरु कबीर की एक साखी पराया कहा करते थे, चींटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल, कहीं कबीर संशय पड़ी एक ले दूजी डाल। चींटी चावल लेकर के जा रही थी, बीच में दाल मिल गई, रुक गई चींटी, अब सोचने लगी कि चावल तो मेरे पास है, इस दाल को भी ले लूँ या दोनों में किसको लूँ, क्योंकि चींटी एक ही, चींटी या तो चावल को लेगी या तो दाल को लेगी, दोनों के हिसाब तो ले नहीं सकती चींटी। संदेह में पड़ गई चींटी, किसको छोड़ूँ किसको पकड़ूँ। घूमते फिरते वहाँ कबीर साहब पहुँच गए कि देखा चींटी को तो संदेह में पड़ी हुई है, तो कबीर साहब ने चींटी से कहा, चींटी तू एक ही ले सकती है, या तो चावल ले ले या तो दाल ले ले, दोनों एक साथ नहीं चलने वाला है, ये रूपक है, ये जीव शुद्धता लेकर मनुष्य जीवन में आया। जब जब हमारा जन्म हुआ, जब कोई आदमी का कोई भी बच्चा पैदा होता है, कामी क्रोधी होता है क्या उस समय, कि लोभी लालची होता है, कि झूठा होता है, कि छल कपट रहता है, क्या रहता है, साफ पाक मन। वो तो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ जितना जितना बड़ा होता जाता है ना, घर वाले माता पिता भाई बंधु पड़ोसी और रिश्तेदार सिखाते जाते हैं एक से एक दुर्गुण, एक से एक दोष दुर्गुण, गलतियाँ,
और धीरे धीरे करते करते पता नहीं कितने क्या क्या सीख जाते हैं। तो जीव शुद्धता लेकर आया था, शुद्धता लेकर जा रहा था, बीच में दाल माया मिल जाती है। अब सोचते हैं कि माया में आकर्षण है, माया बड़ा, माया दिखने में बड़ा सुंदर, तो लोभ में पड़ गया। अब ये माया को ले लूँ कि शुद्धता को ले लूँ, तो एक तो ले सकते हैं, माया लोगे तो शुद्धता कल्याण छूटेगा, कल्याण को लेगे तो माया छोड़ना पड़ेगा, दोनों साथ तो चल नहीं सकते, एक को लेना पड़ेगा। तो संदेह में पड़ जाते हैं, और यदि संदेह से बचना है, माया के प्रलोभन से बचना है, तो एक ही रास्ता है गुरु ज्ञान का सहारा। धर्मदास की अरज गुसाई अब की खेप निभा दीजिए ना, साधक विनम्रता से कहता कि हे गुरुदेव चाहे जैसा हो मुझे अब की बार निभा लीजिए, मुझे ऐसा बोध दे दें, ऐसा रास्ता बता दें कि मैं कैसा भी प्रलोभन आ जाए, कैसी भी बाधा आ जाए, भटकूं ना। जीवन पर्यंत सावधानी और कल्याण बैराग के लिए समर्पण भाव, तभी निभ पाएगा, नशा निभने वाला मुश्किल है। इस पद की हम एक एक पंक्ति पर विचार करेंगे तो एक पंक्ति कल्याण कर सकती है, तो एक घंटे में पूरा कहना होता है। हमें कहना भले ना आए, लेकिन हमें इस पद में जो कहा गया किसी एक पंक्ति पर गहराई से चिंतन करके अपने जीवन वैसा बना लें, वैसी भावना बना लें, तो एक पंक्ति हमारा कल्याण कर सकती है। फिर से मनन करें, गुरु पैया लागो नाम को लखा दीजो न, घट अंधियार नयन नहीं सूझे ज्ञान के दीप जला दीजो न, जन्म जन्म का सोवल मनवा शब्दन मार जगा दीजो न, गहरी नदियां अगम बह धरवा खे के पार लगा दीजो न, विश की लहर उठत घट अंतर शब्दन मार जगा दीजो, अमृत बूंद चुबा दीजो न, धर्मदास की अरज गोसाई अब की खेप निभा लीजो न। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम।